इंडिया का एक ऐसा लेजेंड जो कि 26 मई 2005 को स्विट्जरलैंड में लैंड करता है और उनके लैंड करने की तारीख को साइंस डे के तौर पर मनाना शुरू कर दिया जाता है। आप लोग उस लेजेंड को अच्छी तरीके से जानते हो, वो और कोई नहीं हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में धनुषकोडी के एक छोटे से गरीब परिवार में होता है। उनके पिता नाव चलाने का काम किया करते थे, जिसकी वजह से उनके परिवार को मुश्किल से दो वक्त की रोटी नसीब हो पाती थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के परिवार में कोई भी पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपने बचपन से ही पढ़ने लिखने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। लेकिन बात तो वहीं आकर अटकती है कि उनके पास में पैसे नहीं थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने पढ़ने लिखने के अपने शौक को पूरा करने के लिए स्कूल जाने से पहले अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया था। इसलिए वो हर रोज स्कूल जाने से पहले अखबार बेचा करते थे और उसकी वजह से उनके स्कूल का खर्चा चल पाता था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के स्कूल में मार्क्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं आते थे, लेकिन उनके मन में हर रोज कुछ नया सीखने की ललक थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बचपन से ही पायलट बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी स्कूल खत्म होने के बाद में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला ले लिया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी कॉलेज खत्म होने के बाद में इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए अप्लाई किया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस वर्ष उन्होंने अप्लाई किया था उस वर्ष केवल 8 वैकेंसीज ही थी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 9वीं रैंक आई थी। इसके बाद में उन्होंने इसरो को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन APJ अब्दुल कलाम इसरो में इतने ज़्यादा खुश नहीं थे। उनके मन में हर रोज कुछ नया करने की ललक उन्हें और ज़्यादा प्रेरित कर रही थी। इसी वक्त उनकी मुलाकात होती है इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई से और उनका ट्रांसफर हो जाता है DRDO से इसरो में, जिसके बाद में उनकी सक्सेस का एक नया परचम लहराना शुरू हो जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में वर्थी मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। इसके बाद में नासा उनको एक जॉब ऑफर करता है, लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी राष्ट्रीय भक्ति दिखाते हुए नासा की इस जॉब से इनकार कर दिया था। इसके बाद में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसरो में काम करते हुए अग्नि, त्रिशूल और नाग जैसी मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था, जिसके बाद में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा था। इसी क्रम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 में इंडिया के प्रेसिडेंट बनते हैं। 2005 में उनकी फैमिली के 52 लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं और उनको प्रेसिडेंट भवन में ठहराया जाता है, लेकिन जब उनका परिवार वहाँ से वापस जाता है तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सरकार को 3,52,000 रुपये दिए थे। इसके बाद में जब एक रिपोर्टर ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से पूछा कि उन्होंने सरकार को पैसे क्यों दिए, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कहना था कि सरकार उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था करती है, ना कि उनके परिवार के लिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ये ईमानदारी हर किसी को अपना फॉलोवर बना लेती है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।